सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल माय इंजीनियरिंग चैनल मोनू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आप लोग का इतना रैंक है तो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको जितना भी रैंक है आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन घंटी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। क्योंकि मैं एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहता है। और फ्रेंड्स, जो कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, तो मेरा वीडियो बना गया है, चैनल पर डाला गया है, तो आप लोग वहाँ से देख ले कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, तो जाकर देख भी सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ कि यदि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी जो कि ब्रांच में, तो आपको कितना रैंक होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले है ये चीज़ है इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर है आपको कोर्स नेम, और यहाँ पर आपको कैटेगरी दिया गया है, और ये देख सकते हैं कि आपको दिया गया है यू आर ओपनिंग रैंक और यू आर क्लोजिंग रैंक। इसका क्या मतलब है कि यू आर ओपनिंग रैंक और यू आर क्लोजिंग रैंक का, कि यदि इसके और इसके बीच यदि रैंक वैरी करता है तो आपको इस कॉलेज में सिविल ब्रांच या हर ब्रांच मिल सकता है, अपने अनुसार देख सकते हैं। और यहाँ पर कैट ओपनिंग रैंक और कैट क्लोजिंग रैंक का मतलब हुआ कि कैटेगरी में आपको इतना से इतना रैंक है तो आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो यदि आप लोग भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको यदि कोई भी कैटेगरी से है तो अपने अनुसार देख ले, हम एक केवल एक कैटेगरी को लेकर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि हम ईबीसी से लेते हैं, तो ईबीसी के लिए यदि आपको यूआर में ओपनिंग रैंक यानी कि क्लोजिंग रैंक दोनों को मिला के बोलते हैं, यदि 303 से लेकर 812 यदि यूआर रैंक आता है ईबीसी कैटेगरी से, तो आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। और ये आपको है 58 से लेकर 168 यदि आपको कैटेगरी रैंक है यानी कि ईबीसी के कैटेगरी रैंक है, तो आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, भागलपुर के यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं कोई भी, तो यदि ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यूआर रैंक 172 से लेकर 670 के बीच में यदि रैंक वैरी करता है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 से लेकर 130 यानी कि आपको इतना कैटेगरी रैंक है ईबीसी में, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भागलपुर में मिल जाएगा। और अपने अनुसार देख सकते हैं कैटेगरी, यदि बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अपने अनुसार यहाँ देख ले। उसके बाद यदि भागलपुर के यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, हम केवल एक ही कैटेगरी के लेकर चलते हैं क्योंकि सब कैटेगरी का पॉसिबल नहीं है, सब जो कि हर कॉलेज को दिखाना है इसीलिए, तो यू आर रैंक देख सकते हैं ईबीसी के लिए हम बता देते हैं कि यदि 518 से लेकर 1154 यू आर रैंक है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा भागलपुर में। और यदि आपका 97 से लेकर 256 के बीच यदि आपको कैटेगरी रैंक आता है ईबीसी में, तो आपको भागलपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अब चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ जो कि भागलपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यदि आप लोग जो भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ देख ले, केवल हम ईबीसी के लिए देखते हैं, तो 595 से लेकर 1212 के बीच आता है यदि रैंक यूआर है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भागलपुर में मिल जाएगा। और यदि आपको कैटेगरी रैंक जो कि 112 से लेकर 268 के बीच आता है तो आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये भागलपुर का था। और मैकेनिकल जो भी ब्रांच लेना चाहते हैं भागलपुर का, तो यहाँ देख ले, यदि भागलपुर के मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, यदि जो भी कैटेगरी से अपने अनुसार देख ले, हम केवल ईबीसी के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि 713 से लेकर 1329 यदि आपको यूआर रैंक है तो आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी है यानी 141 से लेकर 297, 141 से लेकर 297 के बीच यदि रैंक आपको वैरी करता है,
इसके बीच आता है तो भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। और अपने अनुसार देख सकते हैं कैटेगरी बीसी से, ईबीसी से आते हैं तो, यूआर से आते हैं तो, इसके बीच आप लोग देख ले। आप देख सकते हैं मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर देख ले। और ईबीसी के लिए केवल हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं 3599 से लेकर 5631 यानी 5631 के बीच यदि आपको रैंक आता है यूआर है तो आपको मधेपुरा में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 834 से लेकर 1334 से आपको कैटेगरी रैंक है ईबीसी में तो आपको मधेपुरा में आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कि मधेपुरा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं और अपने अनुसार देख ले कैटेगरी, केवल हम ईबीसी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2925 से लेकर 4620 यदि रैंक आता है यूआर में तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मधेपुरा में मिल जाएगा। और यदि कैटेगरी में 668 से लेकर 1092 यदि आपको आता है तो आपको ईबीसी में तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कि बीपी मंडल जो कि मधेपुरा है का इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी कैटेगरी से आते हैं देख ले, हम केवल ईबीसी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर रैंक में यदि 5226 से लेकर 8541 यदि आता है तो आपको मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और 1229 से लेकर 2086 यदि कैटेगरी रैंक आता है ईबीसी में तो पर भी आपको यहाँ मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे जो कि कॉलेजेज है उसका दिखा देता हूँ। तो अभी जो कि मधेपुरा का ही है, मधेपुरा में जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो अपने कैटेगरी अनुसार देख ले, मैं केवल ईबीसी के लिए देखता हूँ तो देख सकते हैं कि यदि 5316 से लेकर 9412 यदि रैंक आपको आता है तो आपको जो कि बीपी मंडल मधेपुरा में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। और एक कैटेगरी की बात करें तो 1252 से लेकर 2335 के बीच यदि रैंक वैरी करता है तो आपको मधेपुरा में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अब चलते हैं आपको दरभंगा को मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, केवल आप लोग अच्छा से देख ले क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इतना रैंक हमारा था और मेरा जो कि इतना रैंक था तो यहाँ यहाँ कॉलेज जो कि बिहार के आर्टिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और अपने अनुसार देख ले। ये है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का और दरभंगा में जो भी स्टूडेंट सिविल लेना चाहते हैं जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर देख ले। अभी मैं बता देता हूँ ईबीसी के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर में यदि 1106 से लेकर 1949 के बीच यदि आपको रैंक वेरी करता है तो आपको एडमिशन हो जाएगा सिविल ब्रांच में दरभंगा में। और यदि आपको 241 से लेकर 438 यदि आता है, 241 से लेकर 438 यदि आपको आता है कैटेगरी में ईबीसी में तो आपको दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा और अपने अनुसार कैटेगरी देख ले। उसके बाद यदि दरभंगा के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और जो भी कैटेगरी से यहाँ देख ले, मैं केवल ईबीसी के लिए देख रहता हूँ तो 1072 से लेकर 1727 के बीच यदि यूआर रैंक आता है तो आपको ईबीसी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दरभंगा में मिल जाएगा। और यदि आपको कैटेगरी में 231 से लेकर 389 यदि आपको आता है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। और यदि डीसी दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपको जो भी कैटेगरी से यहाँ देख ले, केवल हम ईबीसी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर रैंक में यदि 1703 से लेकर 2736 यदि आपको रैंक आता है इसके बीच तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दरभंगा में मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी है यदि 381 से लेकर 617 के बीच यदि आपको रैंक आता है तो आपको दरभंगा में आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और यदि आप लोग दरभंगा का देख सकते हैं, दरभंगा का मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं जो भी कैटेगरी से हैं आप लोग देख ले, और केवल मैं ईबीसी के लिए बात करता हूँ तो यदि आपको
यदि युवा रैंक यदि आपको 2248 से लेकर 3208 के बीच यदि रैंक वैरी करता है तो आपको दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। और कैटेगरी के बात करूँ तो यदि 515 से लेकर 749 के बीच यदि रैंक करता है वैरी EBC कैटेगरी से तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अपने अनुसार देख भी ले जो कि कैटेगरी दरभंगा के हो गया। अब देख लेते हैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो गया का तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दरभंगा के मैं बता दिया हूँ इसीलिए इसको स्किप करता हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं कि चंपारण गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण, यदि में एडमिशन लेना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच से हैं तो यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं और यहाँ UR रैंक देख सकते हैं। तो केवल EBC के लिए देखता हूँ तो 5352 से लेकर 1992-1935 यदि आपको रैंक आता है तो आपको वेस्ट चंपारण में आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि 1263 से लेकर 2288 के बीच यदि कैटेगरी रैंक आता है EBC में तो आपको वेस्ट चंपारण में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ वेस्ट चंपारण का इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल में आपको एडमिशन चाहिए या जो भी कैटेगरी से यहाँ देख ले, केवल हमें EBC के लिए देखते हैं तो 5893 से लेकर 9435 के बीच यदि रैंक आपको वैरी करता है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा वेस्ट चंपारण में। और यदि कैटेगरी से यदि 1394 से लेकर 2347 से यदि आपको आता है रैंक EBC में तो आपको वेस्ट चंपारण में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, सब कॉलेज को मैं दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसका कोई थी नहीं, आप लोग आराम से देख ले क्योंकि यही आपको बताएगा कि इतना यदि रैंक था तो आपको ये सब कॉलेज मिल सकता है। और अच्छा से आप लोग देख ले तो चलते हैं, आपको बता देते हैं वेस्ट चंपारण में यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर देख ले। केवल मैं EBC के लिए बात करता हूँ तो 6584 से लेकर 9449 59 यदि आपको रैंक आता है इसके बीच UR रैंक तो आपको EBC में आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चंपारण में मिल जाएगा। और यदि कैटेगरी में 1570 से लेकर 2350 के बीच यदि आपको रैंक करता है तो आपको वेस्ट चंपारण में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल में यदि जो भी कैटेगरी से देख ले, मैं केवल EBC के लिए बात करता हूँ तो 8701 से लेकर 9131 यानी इसके बीच यदि आपको रैंक वैरी करता है UR में तो आपको EBC का UR में यदि आप करता है तो मैकेनिकल ब्रांच चंपारण में मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 1014 से लेकर 1376 यदि आपको रैंक आता है तो कैटेगरी में आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा वेस्ट चंपारण में। अब उसके बाद देख सकते हैं सेवहर में, सेवहर में देख सकते हैं फिर उसके बाद जो कि हर आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका, सेवहर का देख सकते हैं सिविल का है, यहाँ सिविल का है, यहाँ इलेक्ट्रिकल का है, जो भी आप लोग कैटेगरी से आते हैं आप लोग देख ले स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। अंदाज़ा क्या, आपको पूरा चांस है कि यदि आपको इतना रैंक के बीच यदि आपको आता है तो पक्का है कि आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो अपने अनुसार देख ले ये कैटेगरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। यदि आप लोग अररिया में लेना चाहते हैं तो अररिया में देख सकते हैं सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं, यहाँ कैटेगरी है, यहाँ यू ओपनिंग रैंक है, यहाँ क्लोजिंग रैंक है तो क्लोजिंग रैंक भी देख ले और आप लोग स्क्रीन शॉट ले ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं अररिया का यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहते हैं और यहाँ कैटेगरी रैंक है और यहाँ पर देख सकते हैं अपने अनुसार स्क्रीन शॉट ले ले और देख ले। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये UR रैंक है और ये कैटेगरी रैंक है। तो देख ले उसके बाद मैकेनिकल जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल का भी देख ले कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद लखीसराय के भी देख ले, लखीसराय में आपको कैटेगरी रैंक है, UR रैंक है और कैटेगरी रैंक है।
तो ये सब देख ले, क्योंकि मेरा वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण अपलोड होने में आपको हमारा जो कि ज़्यादा नेट की आवश्यकता होगा, इसीलिए मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा है। तो अपने अनुसार देख ले, जो कि समस्तीपुर का है, लखीसराय का है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ये देख ले अपने अनुसार, अरवल का है, औरंगाबाद का है, ये आपका औरंगाबाद का है, औरंगाबाद के देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, बांका में सिविल लेना चाहते हैं, बांका में इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, ये सब आप लोग देख ले, देख सकते हैं। बांका भोजपुर के देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बक्सर के, बक्सर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल लेना चाहते हैं, तो इतना रैंक आपको होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं जमुई का है, जमुई का इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर देख ले। यहाँ पर देख सकते हैं जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, ये सब उनका है। और इस पीडीएफ का आपको लिंक चाहिए, यानी पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डाल देंगे। तो ये सब आपको देख ले, और नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा कॉलेज का, और तीसों इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो फ्रेंड्स, यही था, आप लोग को मैं बता दिया कि इतना इतना रैंक, यदि चाहते हैं इस पीडीएफ को तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर या तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।